5 to 7 वर्किंग डेज आता है, बट होपफुली वो लोग एक दिन के अंदर अंदर ही आपका प्रोफाइल अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं. अब वो चीजें कि किन बेसिस के ऊपर रिजेक्ट हो सकती हैं प्रोफाइल्स, सो वो है कि आपका दो मेन रीजंस आती हैं जो के कह लो कि पीपल पर आर किन बेसिस पर आपको क्या रीजन दे सकता है. एक तो ये कि आपका पोर्टफोलियो उनके लेवल का नहीं है जो आपने पोर्टफोलियो ऐड किया है. इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आपका बिहास के ऊपर पोर्टफोलियो अच्छा नहीं लगा सो कोई जरूरत नहीं है वो ऐड करने की. जो आपने अपना पोर्टफोलियो शुरू में ऐड करना है यहाँ पर ये वाला फर्स्ट पेज के ऊपर पोर्टफोलियो में, अब वो देखें कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे सिर्फ आप 4-5 इमेजेस लगाते हैं, ठीक है. वो हमें आई थिंक 6 इमेजेस मेरा ख्याल है लगाने होते हैं, सो वो 6 इमेजेस बेस्ट ढूंढें और वो लगाएं. दूसरी जो मेन रीजन पसंद आ रहा है, सो दूसरी मेन रीजन वो देते हैं कि जी हमारे पास बहुत ज्यादा इस वक्त फ्रीलांसर्स हो गए हुए हैं तो हम भी अभी किसी को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो अपना अबाउट यू वाली चीज आपकी एप्लीकेशन थी वो बहुत अच्छी वाली लिखी हुई हो कि कोई इतना कर सके, ठीक है. मेन रीजन ये दो ही बनती हैं कि पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है या फिर हमारे पास इस वक्त फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं. So, बहुत अच्छी सी करके दें, बहुत बेस्ट दें. इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि अगर कुछ बच्चे ग्राफिक डिजाइनर के अलावा किसी और चीज के ऊपर भी अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि वो अप्रूव हो जाए तो आप जरूर करें, उसी के ऊपर वर्किंग कर लें. बिकॉज ये इतना इजी नहीं है यहाँ पर अकाउंट अप्रूव होना फाइवर की निस्बत. कह लो 50-50% की रेशियो रहेगी, क्लास में से हाफ क्लास का अप्रूव हुआ हुआ होगा तो हाफ का नहीं हुआ हुआ होगा. मेहनत के साथ ये वाली आपने प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी है. अब बताएं कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कुरातुलहम इस पर अकाउंट बनाने का फायदा यह है कि आप यहाँ से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं सेम वैसे ही जैसे आप फाइवर पर करते हैं. उनजिला कुछ हद तक एडिट हो सकती हैं, सारी नहीं एडिट हो सकती हैं. वर्दा एक्सपीरियंस आपने कहाँ पर ऐड करना है? अच्छा मेरी वॉइस क्या आ रही है या आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके जिन बच्चों को नहीं आ रही है वो प्लीज जरा दोबारा चेक करें अपनी साइट पे. नहीं फाइवर का लिंक ऐड नहीं कर सकते हैं ऐसा पोर्टफोलियो बेटा, वो आपका पोर्टफोलियो नहीं है, वो एक अलग फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है. पोर्टफोलियो की वेबसाइट थोड़ी है जो आप वो ऐड करोगे. जी हीरा बट वो शटरस्टॉक जो है ना वो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट नहीं है बेटा. अभी तक ये चीज तो अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए ना कि फ्रीलांसिंग क्या होती है. अच्छा जी मुबर्रा वो आप जेपैक फाइल्स भी लगा सकते हो. पीडीएफ लगाना है पीडीएफ लगा लो, अगर जेपैक फाइल्स लगानी है जेपैक फाइल्स लगा लो. जब आप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी. आईडी कार्ड हमने कहां पर ऐड किया था बेटा? आईडी कार्ड तो इधर नहीं कहीं पे भी नहीं ऐड किया. रिजवाना मेमुना बिल्कुल बनाना जरूरी है. हाँ जी सोबिया इलस्ट्रेशंस लगा सकते हैं, टी शर्ट्स लगा सकते हैं. हेरा वो बाद में फिर डिस्कस करते हैं कि शटर स्टॉक पे क्या करते हैं. हाँ जी इकरा बिहान्स का प्रोफाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो, बट मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर उसके ऊपर काम अच्छा लगा हुआ है तो ऐड करें, अगर नहीं अच्छा लगा हुआ तो ना ऐड करें. फुरकान वेक्टर ट्रेसिंग से बेहतर है कि आप कुछ और चीज लगाएं? जी राहिला हो सकता है.
सैरेश, आज हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि फाइवर और पीपल पर आर में क्या डिफरेंस है। ओके उंजिला, मैं बता देती हूँ, अगर किसी की सीवी नहीं बनी हुई तो मैं उसका भी एक तरीका बता देती हूँ कि आप अपनी सीवीज कैसे कर सकते हैं। फातिमा, आपकी बेटा बेशक आपकी एजुकेशन डिफरेंट हो, लेकिन आप कोर्सेज तो करते हो ना, जिस तरह अभी ई रोजगार का कोर्स कर रहे हो, सो आप इसी को ऐड कर सकते हो थोड़ी प्रीवियस डेट्स ऐड करके। अच्छा, वर्डप्रेस वाला लगा है तो किस हवाले से होगा? असमा, आपके पास अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आपकी कोई भी वेबसाइट बनी हुई नहीं है, आप वो लिंक्स ऐड कर सकते हो, उन वेबसाइट्स के लिंक ऐड कर सकते हो जो आपने काम किया हुआ है, आप वो ऐड कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी में काम किया तो भी तो कोई असाइनमेंट्स वर्डप्रेस के अकॉर्डिंगली की होंगी ना, सबको ऐड करो। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, हाँ जी राबिया, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे भी आप अकाउंट बना सकते हैं। वो 6 ही काउंट होंगी बुशरा, सेपरेट सेपरेट पेजेस लगाओगे ना तो वो 6 काउंट होंगी, एक ही काउंट होगी। जी अली रजा, लाइन आर्ट का वर्क भी लगा सकते हैं। नताशा, ये अभी की चीज नहीं है, ये मैं बाद में फिर बताती हूँ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, इजी सी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस वेबसाइट को भी कि हम इसके ऊपर काम किस तरह से कर सकते हैं और काम ढूंढ किस तरह से सकते हैं। जो बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं ना कि हमें बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आती हैं, तो यहाँ पर आपको वो इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपको सामने नजर आ रहे होंगे। अब होगा क्या कि आपने क्या जाना है यहाँ पर सर्च के टैब में, वो वाली चीज बता रही हूँ जो के अकाउंट अप्रूव होने के बाद की है, कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया और अब हमने काम भी करना है। अब एक बच्चे ने यहाँ पे भी पूछा हुआ था कि फाइवर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, हम इसके ऊपर क्यों अकाउंट क्रिएट करें। सो होता यह है कि अभी मैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फाइवर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या वो वाली एफर्ट नहीं करना चाह रहे वहां पर, तो आप डिफरेंट वेबसाइट पे अकाउंट बनाएं, और मे बी अगर फाइवर से नहीं आ रहा हो सकता है आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स पीपल पर आर्ट से आ जाए और ज्यादा पैसों का आ जाए। कह लो कि फाइवर एक ऐसी साइट है जहां आपको सबसे कम पैसे मिलते हैं, पीपल पर आर्ट ऐसी साइट जहाँ पर आपको थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे। करवाते हैं कि फाइवर ना बिगनर्स के लिए बड़ी अच्छी है क्योंकि कम कम पैसे हैं, बाकी साइट्स जहाँ आपको पैसे ज्यादा देती हैं फिर वो आपसे क्वालिटी वर्क भी डिमांड करती हैं। सो अब जी फाइव, जब आपका अकाउंट अप्रूव हो गया उसके बाद का आपका क्या काम है कि आपने काम ढूंढना है, अब इसके ऊपर मैं काम करूं किस तरह से। सो आपने सर्च में जाना है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस क्या आ रही है, सर्च ऑफर्स, सर्च फ्रीलांसर्स एंड सर्च प्रोजेक्ट्स। तो आपने एज अ फ्रीलांसर किस पे जाना है जी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है फ्रीलांसर्स कैन सर्च प्रोजेक्ट और बायर कैन सर्च ऑफर्स और सर्च फ्रीलांसर्स। आपकी चीज है सर्च प्रोजेक्ट्स की, आप सर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर गए और सी मैंने अभी कोई लॉग इन कोई साइन इन नहीं किया हुआ और मैं फिर भी ये सारे काम कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें आप लोग भी ढूंढ सकते हैं अपने पास से। अब क्या है, यहाँ पर मुझे जैसे ही मैंने सर्च प्रोजेक्ट पे क्लिक किया मुझे प्रोजेक्ट्स नजर आने शुरू हो गए। अब इसके ऊपर मैं बता दूं कि शुरू में आपको जो 3 प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं वो फीचर्ड हुए हुए हैं और अर्जेंट भी उनके आगे लिखा हुआ है। अब फीचर्ड कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो वहां पर लोगों ने पैसे देकर तो उन्हें फीचर किया हुआ है कि वो सबसे ऊपर नजर आए, उन्हें अब अर्जेंट हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है कि वो फिर सबसे ऊपर नजर आएगा और फिर ज्यादा से ज्यादा उस बंदे को प्रपोजल सेंड किए जाएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर हैं हम आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे ना तो डिफरेंट टाइप की चीजें नजर आ रही हैं। अगर किसी ने वर्ड प्रेस किया हुआ है सो वर्ड प्रेस लिख के सर्चिंग कर सकता है, अगर किसी को राइटिंग एंड ट्रांसलेशन करनी है सो वो ब्लॉग्स राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इस तरह से स्पेसिफिक कीवर्ड करके कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लेट्स सी मुझे लोगो का प्रोजेक्ट करने का इस दिल कर रहा है, सो मैं लोगो लिख लेती हूँ, लोगो लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। सो हमारे पास जी कुछ मुझे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, नीड अ लोगो डन इन एआई।
अब इसके बाद ये पोस्ट किया गया था प्रोजेक्ट 13 आवर्स अगो, और रिमोट वर्क है एंड प्रपोजल अभी तक इसको 42 सेंड हो चुके हुए हैं और इसकी फिक्स प्राइस है। अब ये साइट क्या करती है कि पर आवर के हिसाब से भी लोग आपको हायर कर सकते हैं और फिक्स प्राइस भी दे सकते हैं। मोस्टली आपको कह लो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ना फिक्स प्राइस वाले नजर आएंगे। वो क्यों? क्योंकि आपको फिक्स प्राइस हमेशा एज अ बायर ना सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि देखो वो पूरा लोगो करवा रहा है 14 डॉलर के अंदर, जबकि अगर आपने 10 आवर मिनिमम अपना 10 डॉलर मिनिमम 1 आवर का रेट रखा हुआ है, तो भाई 1 घंटा तो पता भी नहीं चलता। आप 3-4 घंटे ले लें तो वही 40-50 डॉलर आपके बन जाते हैं। सो इस तरह से आपको यहाँ पर फिक्स रेट्स भी मिलेंगे और पर आवर के भी मिलेंगे। ठीक है, जब हो जाएगा तो आप साइन प्रपोजल पर। अब यहाँ पर देखो कितने सारे हैं, बट एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जैसे ऊपर नजर आ रहा था 13 आवर्स अगो, अब नीचे जाते जाओ सो यहाँ पर ये देखो लोगो डिजाइन है और उसने 38 डॉलर पर आवर का रखा हुआ है। सो अच्छे खासे पैसे हो जाएं, बट वो 4 डेज अगो है। सो किसी ने इतने पुराने वालों के ऊपर बिडिंग नहीं करनी जो बहुत ही पुराने पुराने गए पे हो और उनके ऊपर आप सेंड करो, कोई फायदा ही नहीं होता उस चीज का। तो इस तरह से आप यहाँ पर वर्किंग पे। आपको भी ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए, स्पेशली जब आप एप्स बना रहे होते हो ना, तो बहुत लंबे काम आपके चलते हैं। सो प्लीज इन चीजों पर अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली भी देखें। पीपल पर आर पे मैंने पहले ही कह दिया कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर अकाउंट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो अगर आप अपनी किसी और फील्ड के बारे में जानते हैं और देखते हैं तो जरूर उसके ऊपर अकाउंट बनाएं और वर्किंग करना शुरू करें। और यहाँ पर तो आपको वो टेंशन ही नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, आपको आराम से नजर आएंगे। और जो हम फाइवर के ऊपर ट्रिक्स यूज करते हैं ना, वही आप यहाँ पर सकते हैं। ये बड़ा कह रहा है कि मुझे वर्डप्रेस के प्लगइन्स कुछ करवाने हैं, आई डोंट नो कि ये क्या चीज होती है, और उसने यहाँ पर लिखा हुआ है 61 डॉलर पर आवर। तो आप यहाँ भी पैसे कम करके कह सकते हो, लेट्स सी उसने 61 डॉलर पर आवर कहा है, आप उसे 30 कह सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से आप काम करोगे तो जरूर हो जाएगा अच्छा सा काम। बल्कि एज अ बिगनर तो मैं कहती हूँ 10 डॉलर पर आवर पे भी करना पड़ता है, तो भाई करो ताकि शुरू में आपके पास काम आना शुरू हो। बिल्कुल एंड्रॉइड का भी कर सकते हैं फरवा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि एंड्रॉइड की एप्स बनाते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म उनके क्लाइंट चलते हैं और पर आवर को लेकर चलते हैं। हमारे पास एक हमारे ऑफिस में ये कोलीग थे जो कि एंड्रॉइड की ही एप्स बनाते थे और उन्होंने सिर्फ एक ऐप के ऊपर वो वर्किंग करते थे और आर के अकॉर्डिंगली था, और वीक में कितने आवर्स का फिगर आवर्स कर रहे होते हैं। कुरातुलैन कौन सी स्किल पर, एक ही स्किल पे काम कर सकते हैं हम? बिल्कुल फसीउल हसन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग या पोएट्री प्रेस। तो जो बच्चे अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे ना कि हम एक ही स्किल से कर सकते हैं या डिफरेंट कर सकते हैं, सो भाई आप मल्टीपल का ही अकाउंट बना लो। आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही सारी चीजें ऐड कर दो ताकि आपका अकाउंट, एक तो वो जो एक डर लगा रहेगा ना कि पता नहीं अकाउंट होगा अप्रूव या नहीं होगा, वो चीज नहीं आएगी फिर। सो यहाँ पर आपको इनकी डिस्क्रिप्शन भी नजर आ जाएंगी कि क्या उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपको इधर से भी आइडिया हो जाएगा। बट अगेन प्लीज किसी ने भी 100% कॉपी नहीं करना है। सेम अकाउंट लगा सकते हैं इधर भी और फाइवर पे भी। सेम अकाउंट हेरा कौन सा?
केस कोई कस्टमर हमें प्रोजेक्ट देता है और हम उसको काम कर देते हैं, लेकिन वो फिर वो भी है। अच्छा वरदा, इन केस आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप काम करके देते हैं और क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता, वो पैसे आपको नहीं लगेंगे क्योंकि वो टाइम आप लगा रहे हो। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप पूरा काम करके क्लाइंट को ना दिखाएं, आप थोड़ा थोड़ा काम करके क्लाइंट को दिखाते रहें ताकि आपको उसके रिमार्क्स मिलते रहें और उसे भी पता चलता रहे कि आपका काम कैसा जा रहा है और आपको भी समझ आती रहे कि उसको काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत अप्रोच हो जाती है कि आप सारा काम करने के बाद क्लाइंट को दिखाएं और बाद में वो गए कि जी पसंद, इसमें नहीं होगी वरदा, इसमें ऐसे ही वर्किंग हो जाएगी। ऑन वर्चुअल असिस्टेंट, हाँ जी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने सीवी बताना था। हाँ बिडिंग वाली एक चीज रह गई, आयशा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे फाइवर आपको बहुत अच्छी ऑप्शन देता है कि आप एक दिन एडमिट कर सकते हैं, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपके पास है कि आप एक महीने के अंदर सिर्फ 15 प्रपोजल सेंड कर सकते हैं अगर आपको फ्री वाले चाहिए, बाकी फिर आप पैसे लेकर खरीद गए, फिर आप जितने भी करना चाहें वो एक अलग ऑप्शन है, बट फ्री में आपको सिर्फ एक महीने में 15 करेंगे। बट चीज ये है कि आपने उन्हीं 15 में ही कोशिश करनी है कि आप वो प्रोजेक्ट कोई ना कोई विन कर लें, और मोस्टली ऐसा होता है कि वापस आ जाता है कोई ना कोई काम लेकर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर सीवीज भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपको सीवीज भी एडिटेबल मिल जाएंगी भाई। सो आपने कोई सी भी सीवी जो आपको पसंद आ रही है आपने वो डाउनलोड की, इलस्ट्रेटर में आपके पास खुल जाएगी और आप वहां पर जाकर अपनी डिटेल वहां पर एडिट कर सकते हैं। लेट्स सी भाई आपको ये वाली सीवी पसंद आ रही है, सो आपने यहाँ पर इसे डाउनलोड किया, नेम की जगह आपने अपना नाम लिख दिया, डेजिग्नेशन जो भी लिखना है लिखा, अबाउट मी, कॉन्टेक्ट डिटेल, हॉबीज और ये वाली चीजें आ रही हैं और आपने लिखा एंड बस सबमिट कर दिया। इतनी डिटेल्स के अंदर जाओ ही ना, ठीक है। अच्छा मुबारा, ये आपकी चॉइस होती है, अब तो सीवीज इतनी टाइप की हो गई नहीं है कि आपकी मर्जी है, आप ऐड करना चाहते हैं आप नहीं ऐड करना चाहते, इट्स टोटली योर चॉइस। बिकॉज जब अगर मैं स्पेशली बात करूँ ना एज अ ग्राफिक डिजाइनर या जितनी भी ये स्किल वाली चीजें हैं इनके अंदर, क्या कि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट किया जाता है या आपका पोर्टफोलियो ज्यादा काउंट किया जाता है, उन्हें आपकी एजुकेशन से कोई लेना देना। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा लगा हुआ है या आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो वो आपको कंसीडर करेंगे। मिसबा कैनवा पे अगर बनती है तो कैनवा पे बना लें, मैंने कैनवा पे कभी सीखा नहीं, ट्राई किया अगर बनती तो। नताशा किस चीज को साइन इन कैसे करना है? हाँ जी बुशा बिल्कुल, सीवी बनाने की बना सकते हैं को, नताशा आप सिम करी बन जाती है तो वहां पे तो दूर रख दें ताकि जो भी क्लाइंट आए तो आपका वो पोर्टफोलियो देखने के बाद आपको हायर कर सकता है। इनके साथ अगर वो चीज नहीं भी करना चाहते हो और वैसे ही कैरी ऑन करना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
क्योंकि प्रोजेक्ट तो आप सामने पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट्स पे जाएं, वहां से बिडिंग करें और होपफुली कोई ना कोई आ जाएगा। बट वही चीजें ट्रिक्स आपने याद रखनी है। अभी जैसे वीकेंड है तो जिस जिसका भी अकाउंट यहाँ पर अप्रूव हो जाता है वहां बिडिंग करें जरूर, और कम पैसों पर करें। ठीक है, एक चीज मैं ये बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट विन करने का तरीका यही है कि कम पैसों में करें। टेक्स्ट टू स्पीच का वेरी यहाँ पर ही हो तो मुझे बताओ कितने बच्चों ने आपको विन किए हैं अभी तक ऑर्डर के स्क्रीनशॉट। इत्तेहाद वो आप बाद में बेटा कर सकते हैं, बट फिलहाल अप्रूवल के लिए $10 ही रखना है। सिर्फ सीखना था तो फिर आप टेक्निकल वाले में करते तो उसमें सिखाते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा कि वेबसाइट का मोबाइल पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अली जवाद। ये आप फाइवर पे क्यों ट्राई नहीं कर रहे हैं और अभी तक? के वहां पर हो सकता है या नहीं हो सकता। इत्तेहाद अभी तो बहुत दिनों का भाग है, बाकी है। जिन जिन अकाउंट अप्रूव हो जाता है देना है अपने अपने लिंक्स को, ताकि आप साथ साथ ये वाले काम करते रहें। एंड नहीं कर रहे हैं से ठीक करना शुरू करें। अच्छा, इत्तेहाद और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल से भी चेक करोगे जो भी कुछ आती है ना, आप आगे वेक्टर फ्री डाउनलोड लिखकर सर्चिंग करो तो वहां पर हो जाता है। मैं आपको ना अब वन बाय वन जो 10-15 मिनट अभी रहते हैं ना, मैं वर्दा लोगोस भी चेक करती हूँ। मैं आपको जल्दी से एक बार जरा खोल के बता रही हूँ कि सबसे ऊपर है मोहम्मद वलीद का, ये नहीं खुल रहा था, ये नहीं खुलेगा। जिन जिन के आगे ये रोल आउट लिखा हुआ है वो आगे नहीं खुलेगा, सो प्लीज इसको ठीक करें। आपका भी अभी तक गलत है निदा 5 नंबर पर भी काफी सारे बच्चे एडिट कर रहे हैं, सो प्लीज इनके ठीक करें। अपने प्रोफाइल लिंक्स खुद खोल कर चेक करें। इनफैक्ट मैंने एक इजी तरीका ये बताया है कि अगर आपका फाइवर ओपन नहीं भी है तो fiverr.com लिखें / डालकर अपना यूजर एड करें,
खुल जाएगा अगर ऐड करते हैं। अब जरा मैं ये असाइनमेंट लोगों वाली चेक कर दूं कि क्या कारनामे आपने इस पे भी किए हुए हैं, और असाइनमेंट से मुझे आइडिया हो जाता है कि कितने बच्चे ना इस कोर्स को लेकर सीरियस है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्कॉलर्स मिला जाएंगे। फातिमा, फातिमा ठीक है बट और ज्यादा बेहतर हो सकता था, आपने टैगलाइन क्यों नहीं आया? इन पता है आप हैप्पी पास को थोड़ा और बढ़ा करके लिख देते ना किसी तरीके से तो वो ज्यादा अच्छा कंसीडर हो जाता। दानियाल, कोर्स के लिए तो आपके पास 3 प्रोफाइल लिंक्स वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। फाखरा, फाखरा ये डॉग को क्या हो गया है? और अगेन आइकन बहुत बड़ा हो गया है। वो ठीक है, आपका लोगो ठीक है बट आइकन बहुत बड़ा हो गया है। जो बात मैं बार बार कह रही हूँ कि आइकन बड़ा होगा और टेबल नहीं होगा। सी अगर मैं एक तो लॉन्ग हेडेड वाला फॉन्ट लगाया हुआ है कि इतना रीडेबल नहीं है। मैं अगर इसे और छोटा कर दूं सो करो। फरजीन, दानियाल अगर बेटा वर्किंग कंडीशन में है तो फिर ठीक है। तो आपके 3 अकाउंट्स है कि आप इन पे वर्किंग कर रहे हो। फरजीन आपका भी बहुत ज्यादा अगेन डिटेल ऐड हो गई और बहुत कलर्स ऐड हो गए हैं, इतनी ना ऐड करें। फॉन्ट आपका बड़ा अच्छा सा होना चाहिए। फातिमा, फातिमा का अच्छा है, गुड। फातिमा वैसे आपका इतना वाला इतना अच्छा लग रहा है कि आप अगर ऊपर से ये चीज हटा दो ना कैट वाली तो आपका फॉन्ट अच्छा है और नीचे से भी आपने उसको अच्छा मैनेज कर लिया, उसे अच्छा जस्टिफाई कर रहे हो, ऊपर से हटा दो बस। समटाइम इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती है। तारम, नहीं भाई, एक तो ठीक नहीं लिखा हुआ, ये कहीं पे आ रहा है। दानियाल आपने बताया नहीं कि आप अभी वर्किंग कर रहे हो या नहीं। तहरीम, नो, बहुत चीजें ऐड हो गई हैं। आई डोंट नो कि सबने पॉ पे क्यों वर्किंग किया हुआ है। ओके दानियाल, फिर आपने भी हमें अपने स्क्रीनशॉट जरूर प्रोवाइड करने हैं जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो, बिकॉज उसमें क्या होता है कि हमें ये प्रोफाइल या स्क्रीनशॉट्स चाहिए होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि हम ना अपने जितने भी फ्रीलांसर्स हैं और जो वर्किंग कर रहे हैं हम उन्हें बहुत प्रमोट करते रहते हैं। अपनी हमारा ई रोजगार एलुमनाई का ग्रुप है तो हम उसमें भी आप लोगों को ऐड करेंगे और हम फिर सक्सेस स्टोरीज भी ऐड करते हैं अपने ई रोजगार के पेज पे। सो हमें वो चाहिए होता है कि कौन हाईएस्ट अर्नर है या किसकी अर्निंग ड्यूरिंग द बैच या आफ्टर द बैच किसकी अर्निंग सबसे ज्यादा जा रही है या अच्छी जा रही है। तो आपने दानियाल लाजमी मेरे साथ ही या सादिया के साथ शेयर करें। जब से हमारा ये बैच शुरू हुआ है ना, डेट देख लेना कौन सी है, तब से लेकर अभी तक जिस जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट्स कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं उन सब के स्क्रीनशॉट्स चाहिए होंगे। हाँ, गुलजमान गायब है। बस जिस जिस को मैंने कहा था ना के ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट्स देने हैं वो सब गायब हैं। और एक बड़ा मिसकंसेप्शन बताऊं क्या है और बड़ी फनी चीज है, सादिया को भी शायद पता होगा कि जब हमारा ईरोजगार शुरू हुआ था ना और हमने लाइक सेकंड या थर्ड बैच था और हम बच्चों से कहते थे कि भी आप अपने ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट शेयर करें, तो पता नहीं किसने ये बात फैला दी थी कि ईरोजगार वाले ना शेयर रखते हैं बीच में से हर उसमें से।
तो भाई हम बिल्कुल भी शेयर्स नहीं रखते हैं, हमने आपकी प्रोफाइल्स का डाटा सिर्फ कलेक्ट करना होता है, और ऑर्डर भी हम इसलिए ले रहे होते हैं तो बगैर झिझक के पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। इन सबको तसल्ली उस वक्त हुई कि हाँ, जब इन लोगों ने सारे पैसे इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गए और उसके बाद इन्होंने खर्च कर लिए पैसे, फिर इन्हें यकीन आया कि वो वाकई में ही रोजगार कुछ नहीं ले रहा। सो जरूर शेयर किया करें अपनी चीजें, हमें एज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत दफा डाटा कलेक्ट करने की जरूरत चाहिए होती है। हम ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं गवर्नमेंट को भी कि भी हमारे देखें बच्चे इतनी अर्निंग कर रहे हैं, या हमारे यहाँ पर फ्रीलांसर्स उतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखो ना, कि इनफैक्ट हम अपने हमसाए इंडिया को ही ले लें, वहां पर बहुत बेनिफिट्स एक फ्रीलांसर को भी मिलते हैं। यहाँ पर अभी हम चीजें शुरू कर रहे हैं, सो हम जितनी अच्छी करते जाएंगे उतना अच्छा आप सबके लिए होता चला जाएगा। आपको बड़ा हम सबकी सैलरीज पता है दानियार, उतनी देखो मेहनत भी तो करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, चीयर्स। चलो आगे आते हैं अभी लोगों पे। अगर देखो एक और चीज बताऊं, जहां अभी दानियाल ने कहा कि जी सैलरीज अच्छी लेते हैं हम सब, तो उसकी एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर ई रोजगार में जितने भी फ्रीलांसर्स वर्किंग कर रहे हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छे वाले फ्रीलांसर्स हैं, ऑल ओवर दी कह लो पाकिस्तान, जो टॉप के फ्रीलांसर्स आपको, और अपनी वो वाली चीजें हम बता रहे होते हैं जो हमने बड़ी मेहनत के बाद, कसम से बड़ी मेहनत के बाद सीखी हैं, बड़ी मिस्टेक्स करने के बाद सीखी हैं। और लाइक जैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसी तरह से हर बंदा यहाँ पर उतनी एफर्ट कर रहा है, ये सोच कर नहीं कि भाई आप पता नहीं आप सब चीटिंग कर लेंगे या वो चीजें वैसे करना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ ये सोच कर कि हम अपनी वाकई में यूथ की हेल्प करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हम जो हमने चीजें मुश्किल से सीखी वो हम कितना अपने यूथ को सिखा सकते हैं और उन्हें इससे कितनी ज्यादा हेल्प आउट हो सकती है। इकरा, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइन ही किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से 2011 में। और पता है जब हमने फ्रीलांसिंग शुरू की थी ना, अब तो इतने अच्छे पेमेंट मेथड्स हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं, तो अब तो उस वक्त चीजें ही नहीं होती थी, आप पेमेंट्स आती आती गायब हो जाती थी पता नहीं कहाँ पर रास्ते में ही, और दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे पेमेंट्स आने में। अब तो शुक्र है कि भाई इतनी अच्छी और इतनी आसान चीजें हो गई हुई है। सो भी फिर कभी बताऊंगी कि ऑर्डर कितने से बाद मिला था। सो चलो भाई, ओफ खुदाया, अल्लाह करे कि 10-12 लाख मुझे मिलने शुरू हो जाए। दानियाल आपने तो बस इन सबका लेवल कहाँ पे पहुंचा दिया। ओ हो, मैं तो भूल ही गई क्या स्ट्रेस भी नहीं। सर सर है श्याम, सर्वर नहीं देते यहाँ पे ट्रेनिंग, वो डिजी स्किल में देते हैं। यहाँ पर डिजाइन एकेडमी वाले सर देते हैं, उनका भी यूट्यूब बहुत चलता है भाई, उन्हें किस किस ने देखा हुआ है। हाँ लोगो चेक करें, मारिया कह रही है नहीं, GFX वाले भी नहीं देते। अच्छा भाई क्या नाम है उनका? अरसलान नाम है, फुल नेम नहीं मुझे याद है, वैसे ही नाम याद है बस। डिजाइन एकेडमी से उनका यूट्यूब चैनल है, मैंने वैसे ही उनकी प्रमोशन कर दी है। अच्छा भाई तो तहरीम, तहरीम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल ऐड हुई हुई है, इतनी ज्यादा नहीं है, बैड नहीं है। तारम, तारम ने पहले भी बनाया हुआ था ना। तारम अगेन बेटा, बार बार मैं एक चीज कह रही हूँ कि आपने अपनी टैग लाइन छोटी रखनी होती है और आपका नाम बड़ा होता है, सो आपने टैग लाइन अगेन बहुत बड़ी कर दी हुई है और बहुत फैंसी फॉन्ट्स में रखती हुई है, इतनी नहीं होनी चाहिए है। सिंपल सिंपल रखो चीजें। अरीज बाबर, अरीज का अच्छा है, गुड। अरीज का बट आइकन थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है,
लेकिन वैसे इसे अगर आइकन को थोड़ा सा मैनेज कर लो ना, ये जो बॉन्ड बनाई हुई है, तो इसे थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। अली अब्दुल कदीर। अली आपका भी अगर मैं फॉन्ट देखूं तो वो फिर भी किसी हद तक जा सकता है, लेकिन अगेन आप यहाँ पर ये भी कोआला सा एक ऐड कर रहे हो और यहाँ पर भी ये ऐड कर रहे हो, तो इतनी चीजें ना किया करो। सिंपल सिंपल से रखो, ये वाला पाव खत्म कर दो। नहीं मुझे बिल्कुल भी, एक्चुअली मेरे माइंड से निकल गया पीपल पराठ के चक्कर में। मैं इंशाल्लाह किसी दिन दोबारा टेस्ट तो लेना ही है। नताशा, हाँ नताशा का अच्छा है, गुड। नताशा ने कलर स्कीम भी अच्छी यूज की हुई है एंड फॉन्ट भी अच्छा यूज किया है। जूबिया, जूबिया फॉन्ट आप अच्छा कर लो ये वाला चेंज करके, और सारा अच्छा हो जाएगा आपका फिर, क्योंकि कलर्स आपके ठीक है, सिर्फ हैप्पी पास का आपने फॉन्ट अच्छा करना है। इरम, नहीं इरम बहुत ज्यादा चीजें ऐड हो गई हैं अभी अगेन सबने। आई डोंट नो, जब आप आइकन यूज कर रहे हो तो फिर पॉ क्यों लगाया है भाई? अगर पॉ यूज कर रहे हो तो फिर आइकन क्यों लगाया है सबने? मदीहा मुजफ्फर, मदीहा का अच्छा है, बट मदीहा सिंपल आप ये करो कि एक तो देखो कि गड़बड़ किसमें हुई हुई है कि ये दोनों सर्कल सेंटर में नहीं है, इसी लोगों को कंटिन्यू करो बट इसे ठीक करो, इन्हें सेंट्रलाइज करो। और हैप्पी पॉज और ये वाले जितने भी आपने सर्कल में लोगोस देखे हैं ना, उनके बहुत सिंपल सिंपल से फॉन्ट्स हैं, इतने ये वाले कर्वी वाले नहीं होते हैं। नोमेश, नोमेश नहीं, आपका जो मेन नाम है ना वही प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। वीकेंड की असाइनमेंट ये है बेटा कि अपने सारे जिन जिन के अकाउंट्स कंप्लीट नहीं थे वो कंप्लीट करने हैं, और पीपल पर आर्ट पे अकाउंट बनाना है। मदीहा मुजफ्फर, मदीहा नहीं, फॉन्ट नहीं अच्छा है और आइकन भी कुछ कहीं पे जा रहा है और कहीं पे जा रहा है। वो ए तो बिल्कुल नहीं लग रहा, या क्या पी और, अच्छा नहीं आपने ए भी सेपरेट लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो कि फिर आइकन आपने दोनों में पी और ए में क्यों ऐड किया हुआ है। सदफ, सदफ नहीं, ये वाला तो नहीं, बिकॉज आपका अगेन मेन नाम आप लोग छुपा देते हो। यहाँ पर भी ऐड है, यहाँ पर भी ऐड है, ये वाला फिर भी बेहतर है। इधर डॉट से लगा दो तो ये वाला बेहतर है, ये गड़बड़ है। उजाला, उजाला ठीक है बट और फॉन्ट अच्छा हो सकता था इसका, आइकन क्यों पिक्सेलेट कर रहा है? कशफ, कशफ का ठीक है, बेहतर है। नहीं कशफ ये वाला नहीं, मोहम्मद फरहान, ब्लू कलर ना बहुत ही वो हो गया, एंड प्लीज डोंट ऐड ग्रेडियंट, और फॉन्ट भी नहीं अच्छा। सना की आनी, सना के आइकन बहुत अच्छा है, ऊपर वाला फॉन्ट बस ठीक कर लो, नीचे वाला फॉन्ट भी अच्छा है आपका, ये वाला फॉन्ट आपने बस ठीक करना है, ये वाला बेहतर है। अगर आप इसको सीधा ही लिख लो, यूं कर्व में लिखने की जरूरत नहीं है, आर्क बना के सीधा लिख लो और इसका फॉन्ट चेंज कर लो, तो आपके दोनों लोगोस अच्छे हैं। ये किसका है? राहिला, राहिला नहीं, फॉन्ट आपका फिर भी ठीक चला जाए अगर आप उसे थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज करो। अक्सा, अक्सा कभी नहीं, इसमें आपका नाम ऊपर आना चाहिए अक्सा, और उसे प्रोमिनेंट होना चाहिए कि ये आपका नाम है, आपने टैगलाइन ऊपर ऐड की हुई है। ये किसका है? मलिक मुजीब, बेहतर है, अच्छा लग रहा है, बल्कि इसको कैपिटल सोर सब बोल्ड करके लिख देते हैप्पी बॉस को। अनम,
आइकन आपका अच्छा आपने चूज कर लिया है, बट ये वाला फॉन्ट आपका स्ट्रेच हो रहा है, सो फॉन्ट को ठीक करें, इन दोनों को रिमूव कर दें, नीचे वाला फॉन्ट आपका ठीक है, ये हैप्पी पास का आपने फॉन्ट ठीक करना है। जिन्होंने देखो ज्यादा ज्यादा चीजें ऐड की हुई है ना, उन्होंने गड़बड़ की हुई है, मुझे लग रहा है ये मैंने सुहेल आइकन कहीं पर देखा हुआ है। फॉन्ट आपका अच्छा है, ये वाला ठीक है सुहेल, फाइजा राजपूत, फाइजा इसके आइकन के अंदर क्या है, अच्छा डॉग है ये भी इधर को फेस करके, ऊपर वाला फॉन्ट चेंज करो, ये तो ना किसी मॉन्स्टर का पॉ लग रहा है रिजवाना, और वो हैप्पी कहीं से नहीं लग रहा, आपके आइकन से भी तो कुछ वो फीलर आना चाहिए ना, ये कौन से मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें आप ट्रीट करते हैं। बुशरा, बुशरा अगेन बहुत डिटेल ऐड हो गई है, प्लीज इतनी सारी डिटेल ना ऐड किया करें, ये फॉन्ट अच्छा है नुदरत और अच्छा लग रहा है, बट आइकन थोड़ा सा छोटा कर लो, ये वाला भी अच्छा है नुदरत का सेकंड लोगो भी, ये वाला भी अच्छा है नुदरत, इसे बस हैप्पी पॉज को आपने थोड़ा बड़ा करना है या इसे बोल्ड करना है, इसको कुछ आपने करना है, नहीं ये वाला नहीं, मोहम्मद सलमान का, अस्मा बीबी ये वाला ठीक है, बेहतर लग रहा है, अस्मा का ये वाला भी सिंपल अच्छा लग रहा है, ये ठीक है साद, लेकिन मुझे अगेन लग रहा है जैसे मैंने ना इसे कहीं देखा हुआ है, बट ये अब आप चीज देख सकते हो। इत्तेहाज, इसमें ये हो गया आइकन ठीक है लेकिन बहुत बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा हो गया है कि आपकी जो मेन चीज थी ना वो छुप रही है, और टाइटल ये जो टैगलाइन है वो तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रही, ये अच्छा बना है मारिया, मारिया का ये वाला भी ठीक है, मुबर्रा, मुबर्रा का भी अच्छा है, मुबर्रा आइकन आपने छोटा करना है, फॉन्ट भी आपका अच्छा है, अगर मैं जूम करके देख लूं एक बार, नहीं फॉन्ट इसी तरह का ले लो बट जिसमें लाइनें ना हो, क्योंकि जूम आउट से ना लाइंस नहीं पता चल रही थी, लाइंस खत्म कर लो बट ऐसा ही हो स्क्वायर स्क्वायर जैसा फॉन्ट कोई, और आइकन को थोड़ा छोटा करो। नायला, नायला का अच्छा लग रहा है, गुड, मोहम्मद जाहिद ये क्या है, लोगो की तरह लोगो लगाना था ना, लोगो तो है नहीं है इसमें, हैप्पी कैट नहीं, इसमें भी सोबिया मिस्टेक्स हैं कि देखो ये वाला जो है एक तो नाम आपने चेंज किया हुआ है, देन यहाँ पे गैप कम है, इधर ज्यादा है, इधर कभी पेट लवर का भी गैप ठीक नहीं है। फातिमा, फातिमा आपका ओवरऑल ठीक लग रहा है बट अगेन हैप्पी पॉज का फॉर्म चेंज करो, बाकी ठीक हो जाएगा। मोहम्मद फुरकान अंसारी, फुरकान ठीक लग रहा है आपका भी, बट इसे हैंड वाला आइकन थोड़ा छोटा करना है, और इसको तो जो पॉज है ना इसे बेशक पूरे हैंड पे इस तरह से एक कर्व में लिख रहे हैं आर्क बनाकर। सादिया टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, और टेक्स्ट स्ट्रेच हुआ हुआ है बिल्कुल भी नहीं, वो तो पढ़ा जाएगा, ऐसे करो तो वो बिल्कुल भी नहीं आपका ऊपर से टेक्स्ट पढ़ा जा रहा। सोहा, सोहा ठीक है, कलर थोड़े और बेहतर हो सकते हैं, बहुत गर्लिश हो गया अभी। अली रजा, अली रजा ठीक है, अली आप भी हैप्पी पॉज वाला का ना कलर चेंज कर लो, बिकॉज अभी ज्यादा नजर इसके ऊपर जा रही है, वो अच्छा है लेकिन या तो आपने अपने फॉन्ट के ऊपर आई थिंक आउटलाइन की हुई है, वो इस वजह से उसमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अकीला, अकीला ठीक है, ऊपर वाला अगेन ठीक है, ये वाली जो चीज है ना इसको आप कहीं नीचे ही एडजस्ट कर लेते हैं, या इसका फॉन्ट चेंज करो कि वो रीडेबल बाद में हो, ये तो मैंने पहले भी चेक किया था, नहीं ये ठीक नहीं है। फरखंदा, उफ, इसके तो क्या ये क्यों भाई, ये वो लोकेशन वाला आइकन, अस्मा नहीं ये ठीक नहीं है,
ये अच्छा लग रहा है, मिर्जा का, मिर्जा का अच्छा है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने आइकन्स कितने कितने कॉपी किए हैं और कहाँ कहाँ से किए हैं। मिर्जा का ठीक है, एटलीस्ट वोकल्स तो ऐड किया। मोहम्मद फरहान, फरहान का भी आइकन बहुत ही बड़ा हो गया है। फातिमा, फातिमा का ठीक है, बट फातिमा ऊपर वाला ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें कोई दो कलर्स खुद से ऐड कर। नहीं, गुलनाज ये ठीक नहीं है। इकरा नवाज, आप भी इसका फॉन्ट चेंज करोगे, फॉन्ट चेंज कर लोगे तो होपफुली ये बेहतर लगने लगेगा। समिया अभी भी ये वाला भी नहीं। हमजा, समिया फॉन्ट चेंज हो इसका भी। रचना, रचना ये वाली बिल्लियां ना कितने लोगों ने लगाई। ये आगे यूज किया, ये जो ग्रीन है या तो इसको स्किप करो, और फॉन्ट जो है इस आउटलाइन को किसी इन वाले कलर्स में करो ताकि वो पढ़ा जाए। जुल्फकार, जुल्फकार नहीं, सर्कल सेंट्रलाइज नहीं है, फॉन्ट जो है वो बोल्ड करना पड़ेगा। आमना, आमना ये दो लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही कोई लगा लो, अच्छा लग रहा है वो, इधर ही कहीं पे इसको एडजस्ट कर लो, इतनी दूर भी करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद इरफान, ये क्या है, ये अच्छा कैट है वो तो। नहीं ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करो, ये बहुत ही अजीब सी हुई हुई है। नो, मोहम्मद मंशा ये ठीक नहीं है, मोहम्मद ईशान का है ये। उम्मे हबीबा, नहीं हबीबा, मैंने पहले भी मना किया हुआ कि आपने वर्टिकली टेक्स्ट नहीं लिखना। अभी ये देख रहे हो कि अगर ये इस तरह से जूम आउट करके नहीं जा रहा। फॉन्ट चेंज करो इसका भी और इसका भी, बाकी सर्कल में आप रखना चाह रहे हो तो ठीक है, फॉन्ट चेंज होगा। सभी अवैस, अगेन बिल्ली बिल्ली नहीं, नहीं है, ताकि फॉन्ट आपका अच्छा है उसको बड़ा करो, ताकि उसको कम से कम दो कर्स में रखो कि वो रीडेबल रहे। अमान, अमान नहीं, फॉन्ट बहुत ने कभी भी फैंसी फॉन्ट अगर रखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर्स में नहीं रखते हैं। फरियाद ठीक है, बट आइकन छोटा करें। ये भी नूरे हिरा नहीं, ये नहीं चलेगा। तहरीम, अब पहले भी ये लोगों मैंने देखा था, नहीं अभी भी ठीक नहीं है। मुकद्दस, मुकद्दस ये मैंने पहले भी ना समझ नहीं आई थी कि आपने क्या आया बनाया है ये। अच्छा जी, हैप्पी का एज लिखा है बेटा, बट वो फिर भी ना हमारे वो के साथ नहीं जा रहा, और जो नीचे आपने लिखना था हैप्पी पॉज वो आपने लिखा नहीं है, तो लोग ये था ना। Yeah. Sometimes आप अभी नहीं, फॉन्ट ठीक है और आइकन मैच नहीं कर रहा। नो, मैंने खुद ही रिप्लाई किया वह कभी नहीं करेगा। सलवा, सलवा ठीक है, थोड़ी बेहतर कर लो। सहरिश आपका कहाँ है, मैं भी सबके चेक कर रही हूँ। अच्छा है भाई, जिन्होंने अपने फेसबुक आईडी सुनी ना वो प्लीज अपना नाम जरूर ऐड किया करें,
फॉन्ट अच्छा लग रहा है लेकिन ये जो हाउस वाला आइकन ना, इसको या तो छोटा कर लो या फिर इसको खत्म कर दो, क्योंकि यही ठीक वाला। एमन क्या है? ठीक है, एमन आपका फॉन्ट वगैरह अच्छा लग रहा है, बल्कि आप इतना भी रख लो तो सही है। इरफान ये कैट रिमूव होगी, ये वाला आइकन हमने बहुत दफा बेटा देखा है, अमन वाले ना यूज करो, बट अगर आप आइकन ठीक कर लो तो आपका फॉन्ट ठीक है। नो अजहर बहुत के पास लिखा है, सो नाम आपका बड़ा होना चाहिए और पता चलना चाहिए। एमन आपने ये जो हाउस वाला आइकन भी है, इसको या तो कर जाए, निदा अच्छा लग रहा है, बट शेफ की पिक्चर कहाँ से आ गई है पास में, ऊपर उसके क्लिक और वो लेके उस जा रहा है। ठीक करो, फसीउल हसन आपका काफी बेहतर है, बट सेंट्रलाइज इसके इशू मुझे लग रहे हैं, यहाँ से गैप मेहरान, मेहरान आपका है पास का फॉन्ट आइकन, मुझे फॉन्ट आपने स्ट्रेच किया, बार बार कह रही है कम से कम दो कलर जरूर ऐड किया करें। तहरीम आपका भी ऊपर से फॉन्ट अच्छा नहीं, मिनाहिल का बहुत अच्छा लोगो है, बेस्ट टेस्ट अभी तक सबसे अच्छा, और मिनाहिल ने बड़ा अच्छा उसे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है दो डिफरेंट कलर्स में, वेरी गुड। स्ट्रेच हुआ हुआ है, स्ट्रेच डॉग वाला है, बाकी आपने इस पे वर्किंग अच्छी की हुई है, सिर्फ हैप्पी पॉज का फॉन्ट अच्छा करो और इसका आइकन छोटा करो। आइकन आपका बहुत बड़ा हो गया, ऐसी खुद देखा करो कि अगर मैं यहाँ पे भी नोट कर रही हूँ कि आइकन ना बड़ा है और टेक्स्ट मुश्किल से रीडेबल है। हाइका ये वाला नहीं, स्टिल अभी भी ठीक नहीं है। ठीक है भाई, सो चलो ऑफ करते हैं, 4 बज गए, आज हालांकि 3:45 तक की क्लास थी, सो ऑफ करते हैं और इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे मंडे को, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप सब अपने अकाउंट्स बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और अच्छे तरीके से क्रिएट करके लाएंगे, और यहाँ पर जिस जिसकी भी मिस्टेक्स हैं वो ठीक करेंगे। हाँ जी जुल्फिकार, कल की छुट्टी है, कल सैटरडे है, ठीक है।